खाना ताया नहीं कायरा, तुम खाना ताया, तुम खाना ताया नहीं। अभी स्कूल से आया? हाँ। खाना ताया नहीं, नहीं। ओके तुम तो ताना है ना। हमारा खाना आज नहीं है घर में। हाँ मैं देता हूँ। तुम दोगे? तुम्हारे घर में खाना है? हाँ। क्या है मम्मी, क्या बनाया? नेल पॉलिश है। नेल पॉलिश खाऊंगी मैं, नेल पॉलिश खाऊंगी मैं, नेल पॉलिश। नेल पॉलिश है तुम्हारे घर में? नेल पॉलिश में जाकर खाऊंगी तुम्हारे घर में। तो सांग मैंने ये आसी है मत पचार कि आंटी खाना ताया, खाना खाइलु कि? मुझे ना खाना खाईनी, तू खाना खाइलु कि? मु खाना खाई सारे आगला मोहर किसी खाना ना कहल कह आशा मोहर खाना अच्छे खाइबू मुझे कौन अच्छे ना नेल पॉलिश अच्छे तो आंटी ना नेल पॉलिश रे का अच्छी ना कि तो आंटी ना नेल पॉलिश भितर का अच्छे बुझीगलु पूरा रांपी दे तू पूरा कह हालो सांग मैने बुक सांग मैने पूरा बुझीगली बोले पूरा केरकेरा बोल पूरा केरकेरा केलकेला बोल पूरा केरकेरा कर बुझी चल मु आज प्रॉन बनेबी खाइब प्रॉन खा रु माछ प्रॉन कंकड़ा किछ नै केवल चिकन आ खाउ मटन मते खाउ न देंगे ता पापा दिखे के बिकनती होटल ले खाली घर बनो हां ड्रेस पहन के आओगे? हाँ जा ड्रेस पहन के आओ, स्कूल आसला तो यूनिफॉर्म चेंज कर आसला जा ड्रेस पहन के आओ। संग भी 12 है मोर पूजा पूजी केत सरला सरी लाइट बंद कर दी मंदिर तपर जी रोसे करी 12 बंद पक ना 12:05 है रोष करी ये बची तो बची गल आज रोसे चिंगुड़ी तो करी सका सका तो चिंगुड़ी काढ़ डिफ्रोस्ट हो सारा चिंगुड़ी आज मुझे मलाई कर बनवी तो चिंगुड़ी सहित आउ भात भी आज ना मुझे कोकोनट मिल्क रे राइस बन चिंगुड़ी मलाई करी प्रॉन मलाई करी सहित ना रेसीपीटा बहुत भल लगे अब बनवी आसीपीटा सेयर करी आप सहित जदि आप भल लगे तो बनवी खाइबे चिंगुड़ी जो कोकोनट मिल्क राइसटा ना बहुत बढ़िया लगे खायापी ता सहित आप भेज्रे जो मैंने कलीफ्लावर कषा हो ना पोटल कषा हो पनीर खुर्मा पनीर जो मलाई करी बन खाईपर आन भेज बोले चिकेन चिंगुड़ी जहाँ भी बनकर खाईपर आ सहित तो जो कौन अच्छे कोकोनट राइस सहित तो पटाटो फ्राई मैं बहुत भल लगे कि मसलादार पटाटो फ्राई खाइन बढ़िया लगे कोको टे भृसंग पत्र फुटेरी तो चलो बनवा साउथ इंडियन डिश्टा कोकोनट राइसटा आउ चिंगुड़ी मलाई कर तो आम ओडिया बंगाली सब बन खाती ओके बनवा स्टार्ट कर कोकोनट मिल्क एवं अर्डर कर आसीगला कोकोनट मिल्क ब्लिंकिट रु मगे ब्लिंकिट कौन 5 मिनट 8 मिनट दे दिए झील मोपी सब अनियन सब चप कर जहाँ जहाँ चपिंग दरकार ना ग्रीन चिल्ली अनियन सब मुझे चिंगुड़ा सफा करी चिंगुड़ी सफा करनी मिल्क गोटे फ्रीडे डेरी मिल्क टे डबल थी अफर में दे तो डे खा बाबू पैंट रखी था ने कम्प्लीमेंटरी फ्रीडे आज भल के कमी अफर थाए आई स्विगी मार्ट स्विगी इंस्टा मार्ट्रे भी थाए ब्लिंकिट्रे भी थाए मुठा हो जाए तो मिलला आज फ्रीडे खायाप डेरी मिल्क मुझे सफा कर दे जल्दी जल्दी जो करी पता मुठा डब सफा कर दे सफा कर रखी था किनारे मुझे चिंगुड़ा सफा कर फटाफट बसवा चिंगुड़ी मलाई कर सहित कोकोनट मिल्क राइस तो सांग माँ झील टिके चकलेट खाई सारापर मुझे आसीगली रोसे तो ये मुझे काजू बतरे देली काजू तापर मगज चिंगड़ी मलाई करी पेस्ट बनेबी टे समय बतरू से भितर मुझे चिंगुड़ी भी सफा करदेवी आ रहा कोकोनट मिल्क दुटा मगे कारण कोकोनट मिल्क आज राइस बनेबी आ कोकोनट मिल्कटा यूज हम
चिंगुड़ी मलाई करी रे रहा प्रॉन चिंगुड़ी यहाँ बड़ बड़ चिंगुड़ा मुझे आनी मल रु नहीं आसी तो डबल एमती से मैंने रापर राप कर भलसे दे दे तो फ्रेश थिला चिंगुड़ा देखु किसी भी खराब हो ना फ्रिजर तो रखीदी ना आईटा सफा कर चिंगुड़ा को चिंगुड़ी तो मुझे चोपा रखुची जदि आपण मानक चोपा पसंद ना मैंने पूरा क्लीन कर चिंगुड़ी की मलाई कर बन पार देख मु हाथ में मापिक देखु थी पूरा गोटे चाखंड पूरा गोटे गोटे चिंगुड़ी थी केतटा छोटा कि प्राय सब बड़ बड़ थी मुझे भी कही थी जी दूसरा ना मल्रे मुझे बड़ बड़ देखिक दब चिंगुड़ी मलाई कर पाईना टी बड़ बड़ चिंगुड़ा भल भी लगे मुंड भी रखी मुंड भी मुझे काड़ूनी चिंगुड़ी तो मत चिंगुड़ी मुंड पसंद कि पिलाने पसंद ना झील केत इच्छा हेल्ले तार मछर मुंड हो कि चिंगुड़ी मुंड इच्छा हेले एक सी खाए ना भी ना मत बहुत पसंद मत चिंगुड़ी चोपा मुंड काटदे आँ चिंगुड़ी से पूरा सफा करदे मत इच्छा नहीं कारण कौन आए कम अलग अलग लगे मत पूरा चोपा जब क्लीन कर खाइले से मुझे चोपा रखे आतर जो गंधिया थाए ना तार जो सब सूता थाए से तो मेन से काटदे मानी पेट फेट भी खराब हेनी से मईला रहे चिंगुड़ी मछर तो सब चिंगुड़ी को भल भाव तीन चार थर कि मुझे धोईदेली धोकर गोटे प्लेट रखीदेली एबरे मु लुण हलदी गोल रखिक भाजीदेवी चिंगुड़ी मलाई करी ना चिंगुड़ा को भाजिकी कले ही बहुत भल लगे कंचा बिलकुल भी भल लगे तो ना चिंगुड़ी झोल कले मु कषिकी कर दिए कंचा चिंगुड़ी को कि चिंगुड़ी मलाई करें भाजी आऊ तो टी अल्प सोरस तेल एक्सट्रा पकईदेली धो मानते गोलागोली कर ताको गरम गरम सोरस तेल भाजी पाऊ दावत नहीं आसती मल रु बासमती राइस टा तो एथिरे मु बनेबी आज कोकोनट मिल्क रो राइस तो 2.5 ग्लास रे राइस मुझे नहींगली बतरे टे समय से आराम से बतरू तापर तार राइस बनैब से भर टावा गरम हो मोर गरम गरम सब तेल पकईदेली मैंने तेल पकेला परे गरम हो सारापर चिंगुड़ी की बहुत भल भाव पूरा भाजीदे मानने टी संतुलानी भल भाव कड़क कड़क कर भाजवा तापर चिंगुड़ी मलाई करा खाया भल लगे टी मझे पार्टी लगेगा से सरी मोर एमती हुए बेले बेले ना मुझे स्पीड्रे कह मान मोर पार्टी लगे आ धीरे धीरे मोर दे होगा मुझे चाहे धीरे धीरे कह ना मत पूरा भूली कौन कह चाहे स्पीड्रे कह बेले बेले पार्टी लग जाए तो देखते चिंगुड़ी भजा मध्य रेडी काउ का चिंगुड़ी भजा पखाड़ सहित खाया को भल लगे कही मत एम छोट छोट चिंगुड़ी थी ना ताकि कंचा मरच पिज पकईकना पखाड़ सहित खाइले बहुत भल लगे से पा चिंगुड़ी जो बंधर धरा हुए ना आम ओडार ही मिले ये मिले बंध चिंगुड़ी पूरा जो पत्र पिलादे से सब मिलूला एबले कहीं ब्रह्मपुर में देखे मत मिलूनी बाबा आणती बेले बेले छोट छोट चिंगुड़ी तो काजु आज मगज को बतरी बाटीदेवी आटला भितर देखते किए आसा घर को ये देखो बासमती राइस कैसे लाए रे मॉल से इतना बड़ा बासमती राइस ये देखो आप लास्ट टाइम मेरे नाक में खुशबू आती है दूर दूर तक आज तो मेरा फेवरेट दीदी मेरा फेवरेट खाना बनाए तो आज तो मैं जाऊंगी लास्ट टाइम भी आई थी प्रॉन बनाई थी आज भी अभी आई मैडम स्कूल से डायरेक्ट इधर प्रॉन बना रही प्रॉन मलाई करी कोकोनट राइस कोकोनट मिल्क राइस दिख रहे ना तो ये अनु आसला अनु संगे कथा मुटीदेली ये पोस्त मगज को पिज को बाटीदेवी टमाटो मैं बाटीदेवी चिंगुड़ी मलाई करने सब बटा मसला दरकार कारण ग्रेविटा ना पूरा रिच ग्रेवि बनब आउ स्मूथ ग्रेवि बनब से पार्टी को जमी पिज एम कि जिनस न आसार अच्छी
ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବାଟିକିରି ପକେଇବା। ଆଉ ଅନୁ ଆସିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଢେର ସାରା କଥା ହଉଛି, ଆଉ ଅନୁ ଆସିଲା ବୋଲେ ଆମ ଘରେ ଚା ନିଶ୍ଚୟ ବନିବ, ଖରାଳ ହଉ ବେଳ ହଉ ଅଧରାତି ହଉ ଯେତେବେଳେ ହଉଛୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଚା ନ ସେଠି। ଆଉ ତା ସହିତ ତ ମୁଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ ଆମେ, ମୁଁ ତ କେତେ ଥର ବି ଚା ପିଇଦିଏ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥର ବନେ ମୋତେ ଡାକିବ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢା ପଢି ସବୁ ରହୁଛି, ସିଏ ଏବେ ତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା, ସିଏ ତ ଟିଚର। ତ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗର ଚା ପିଆଟା ହବ, ତ ଚା ମୁଁ ବସେଇ ସାରିଛି, ବାସ୍ କ୍ଷୀରଟା ଗରମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚା ପତି ପକେଇବି। ଆଉ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗରେ ଢେର ସାରା କଥା ଆଉ ହେଲା, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଏପଟ ସେପଟ ଦୁନିଆ କଥା ହେଲା, କେତେ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମିଶିକିରି କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ତାର ମଜା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବସେଇଦେବି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ, ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି। ତାପରେ ଏଠି ସେମ୍ ପେନ୍ରେ ହିଁ ତେଲ ନେଇଗଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି ଫୁଟେଇଦେଲି, ଆଉ ପିଆଜ ବଟା ପକେଇଦେଲି। ପିଆଜଟା ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ହେବ, ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସବୁ ମସଲା ପକେଇବି, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ପିଆଜ ବଟାଟା ପକେଇଲେ ନା ହାତକୁ ପୁରା ଛିଟା ପଳେଇ ଆସେ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଛିଟିକିରି ପୁରା ଗ୍ୟାସ ଟାଇଲ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ହେବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ଭାଜିଲା ଭିତରେ ଆମର ଚା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚା ନେଇକିରି ଟିକେ ବିସ୍କେଟ୍ ତାକୁ ଦେବି, ସେ ତ ଭାତ କହିଲି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ତ କାହା କୋକୋନଟ୍ ରାଇସ୍ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଭେଜ୍ କରିଦେବି, ତୁ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କିଛି ଇଏ ଖାଏନି। ଆଉ ତ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ପଳେଇ ଆସେ ସକାଳୁ, ସେ ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ କରିକିରି ପଳେଇ ଆସେ କାରଣ ସେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରୁ ସ୍କୁଲ୍ ସେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଳକୁ ସବୁଦିନ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ତ କ'ଣ ନା ସେତେବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ତାଙ୍କ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଯାଆନ୍ତି ଅଫିସ୍କୁ, ତ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଦେଇଦିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା' ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ରୋଷେଇ କରି ପଳେଇ ଆସେ। ତ ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସେ। ତ ଚା ପିଇ ପିଇ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେଲା, ମନ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ପିଆଜ ଭଜାଟା ବସେଇଛି, ପିଆଜଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଧ୍ୟାନ ହେଇ ଆସିଲି, ଏଥିରେ ପୁଣି ଅଦା ରସୁଣ ଜିରାର ବଟା ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ବଟା ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ମସଲାଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବି, ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟିକିରି ରଖିଛି ମଗଜ ଆଉ କାଜୁ ବଟା ଦେବି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଠି କୋକୋନଟ୍ ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇଦେବି। ତ ତେଲ କଡ଼ିଟାରେ ଗରମ କରିବାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସବୁ କଷି ଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ମୋର, ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଲି କାଜୁ ଆଉ ମଗଜର ବଟାଟା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, କାରଣ କାଜୁ ମଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ନ କଷିଲେ ନା କାଜୁର କଞ୍ଚାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, କାରଣ ଆମେ କଞ୍ଚା କାଜୁକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କଷି ହଉ, ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଡ଼େଇର ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ଟିକେ ବେଶିକିରି ପିଆଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ପିଆଜ ମୁଁ ନେଇଛି କୋକୋନଟ୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଅଳେଇଚ ଏ ସରି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଡାଲଚିନି ପକେଇଦେଲି ଫୁଟଣରେ, ତାପରେ ଏଠି ଭଲରେ ପିଆଜଟା ଭାଜି ହଉ। ଏ ଭିତରେ ମୋର ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ପକେଇଲି କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କ। ମୁଁ ଏଇଠି ତ ରେଡିମେଡ୍ କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆରକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ମିଲ୍କ କାଢ଼ିକିରି ପକେଇ ପାରିବେ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁରା ଅଳସ ହାଲିଆ ତାହେଲେ ବଜାରରେ ତ ମିଳିଯାଉଛି ଗଲା, କିଣି ଆଣି ପକେଇଦେବେ। ଏଇଠି ପିଆଜ ଭଲରେ ଭାଜି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ମୋର ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଚିଲି ୟୁଜ୍ ହେବ ନା, ରେଡ୍ ଚିଲି ନା ବ୍ଲାକ୍ ପେପର କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଏକା ଯେତିକି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଇଚ୍ଛା ପକେଇଦେବେ ଆଉ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହଉ ଅଦା ରସୁଣ ବଟାଟା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପକେଇବା କିଛି ହଉ। ଏଇଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ନା, ତ ପୁରା ପାଣିଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଦେଲି ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାପରେ ତିନି ଚାରିଟା କଞ୍ଚାମରିଚ ପକେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇଦେଲି, ଗୋଟେ 4 ମିନିଟ୍ ଭଲ ବଏଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ କରି ରେଡ଼ି। ଏ ଭିତରେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଦା ରସୁଣ ଭଲରେ ଭାଜି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଯେଉଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଟିକେ ସମୟ 20-25 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ରାଇସ୍ଟା ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ବନିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତ ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କଟା ରେଡ଼ି କରୁଛି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ପୁରା ଥିକ୍ ଥିକ୍ କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କ ପୁରା ଏଇଟା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେତିକି ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ରାଇସ୍ରେ ପାଣି ଦେବି ନା ସେତିକି ମୁଁ ନେଇଗଲି ପାଣି
तो मुझे दि ग्लास अधा राइस नहीं तार डबल मुझे देदेवि आप जी रईस नौ तार डबल करेंगे कोकोनट मिल्क को मिसेकर ठीक अच्छे तापर लुण पकईदेली आउ बाकी टिके प्रथमे हाई आंच रे मु गोटे तीन चार मिनट कुक करी तापर मु मीडियम आंच रे मु रोसे करी है आउ गोटे दी तीन मिनट कि चार मिनट दम देवा आसी गोटे पूरा गैस को सीम करदेवि बस देखते ये मोर ए दम को रेडी पूरा राइसटा हो गला बास आउ गोटे दी तीन मिनट मुझे स्लो आंच रे घोड़ेकर बास रखिकी गैस बंद करदेवि मोर कोकोनट मिल्क रो राइस रेडी ता सहित तार पूरा कम्बिनेसन टाइटा चिंगड़ी मलाई कर दुटा जाक मिक्स कर खाइले ना बहुत बढ़िया लगे स्टीम राइस अपेक्षा आई जदि आपत जो झंझट करा इच्छा हो मैंने कोकोनट जो मिल्क राइस बनवाई आप्लेन रईस तुले चिंगड़ी मलाई कटा मैं खाईपर मस्त लगे आ रुटी नान जहाँ सहित पराटा सहित जहाँ सहित भी खातु कितु फिश आ चिंगुड़ी कंकड़ा सब ना भात सहित हिं भल लगे बेस खायापी पर्सनाली मत भल लगे झील कौन तार स्टाइल रे तारा जे प्लेटिंग करियो तो से जो आउ थे कोन ओके तो से दा काजू को रोस्ट कर ओ कर देलो नि काजू को भी रोस्ट कर से रखी छी से आज प्लेटिंग करियो लाइटली चिली को हां लाइटली चिली को रोस्ट कर अच्छा अच्छा लाइटली चिली को रोस्ट करू तू एते स्लो कहू छ जे जियो सुभुनी एगा ठीक जोर कहू था तो अनु गला त्रिषार भयस पूरा स्लो गोटे बर्थर मानते मोर एत बड़ पार्टी ता पार्टी पूरा मानते अपोजिट है कान पाखे जब रखिए बोले सुधर गरम हो गए खाइब तो ये रहा कोकोनट मिल्क राइस आहा मस्त मस्त सुंदर दिशु ना मस्त दिशु आ ये रहा चिंगड़ी मलाई करी चिंगुड़ी मलाई करी चिंगुड़ी नरिया नड़िया रस दे तरकारी आज मुझे मो वेरिएशन आज प्लेट कर मामा कर डिश नेम थी कोस्टल सी फुड बाउल ओके थिबो नै अछि अछि थिबो माने फास्ट तो स्टाइल रे करू छी जे थिबो लि को छी फर्स्ट कोकोनट राइस नबा मिक्स कर द गोटे साइड मिक्स टाइट हाथ रे नरे कना खंड खंड होई छ बस भात बडे बेलन रोसे सरला पर किचन रो हालत किन देखन दो किचन सफा करे बाद लागियो टाइम पर एमुंडो से मुंडो जाय झी खाई कह के सतरे अमेजिंग राइस 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 को दाको कॉम्बिनेशन ना 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 जो आई सेम खाई थी हाँ। के थे टाइम्स बेटर अच्छी अच्छी ब्लैंड टेस्ट तो भेज मिल्क रे बने थी लाल को ट्राई करे मुंडो खाई बाजी मुंडो ओ थाउजेंड टाइम बेस्ट आई केयर रूल कहला नहीं चीज़ यम्मी यम्मी चिंगुड़ी हाथ तो तुले खाई लेकर शांति हो हाथ तो खाई लेकर सॉफ्ट जूसी बाउंसी अच्छी यम्मी यम्मी मन नाला खसेला ल जा रे परी आसी त
तार रिव्यू शुणी शुणी मैं लाल खसला खाई मुझे राइस टे ट्राए कर राइस सांग राग लुणी राग भी कर यम्मी आको इन डिप करी दे खायर ये बेटा मस्त है जी नहीं ये राइस तुले का परफेक्ट अब हम भाभी कॉम्बिनेशन रे बन लो बस बैंगल पर कोकोनट राइस बनेवा के बुड बने ने केते वर्ष पर वो कोकोनट राइस बनेली आई कोकोनट मिल्क रो राइस तो मु मते खाई पको संग माने आ आज रो ब्लॉग मे एंड करछि केमति लागला दिरा जगह आज रेसिपी निश्चय कमेंट करी कहबे बाय बाय लर्स ऑफ लव जे बाबे कर दे बाय बाय जो तो मस्त मन पाइला 100% आवाज मन पाइला रेसिपी तारो। मस्त ट्राए रेसीपी सांग रईसटा सियोर बना मलाई कर तो बनाऊे रईसटा हाँ किए बन ना कह बन सियोर बना ट्राए कर मजा आसपेली डिनर पार्टी लंच डिनर पार्टी गेस्ट नुआ लगे मस्त कोकोनट मिल्क रे पलाओ।